अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये कुश्ती में? क्योंकि पंजाब भी कुश्ती में बहुत आगे रहा है, तो हमें पता है कुश्ती में कोच नहीं बोलते, कुश्ती में उस्ताद जी बोलते हैं। तो उस्ताद जी जो हैं वो खड़े हैं। गम है, दुख है कि हमारी बेटी जो है वो गोल्ड, बस आप सामने गोल्ड मेडल पड़ा था बस जी, पर कोई टेक्निकल 100 ग्राम वजन का कोई इशू आ गया। एक दिन में तीन तीन मुकाबले जीतने और तीनों में दिग्गजों को हराना, यहाँ आके ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की, जो साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये? तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं वो किस काम के लिए गए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियाँ करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर, क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए? एक दिन में वो लड़की तीन मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल, ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं, पापा मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी, अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम भी बेटी हो, तुम चैंपियनों के चैंपियन हो यार, काम सर क्या लगता है? साथ खड़े हैं, साथ तो मैं भी खड़ा हूँ, साथ खड़ा हूँ। अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये कुश्ती में? क्योंकि पंजाब भी कुश्ती में बहुत आगे रहा है, तो हमें पता है कुश्ती में कोच नहीं बोलते, कुश्ती में उस्ताद जी बोलते हैं, तो उस्ताद जी जो हैं वो खड़े हैं। गम है, दुख है कि हमारी बेटी जो है वो गोल्ड, बस आप सामने गोल्ड मेडल पड़ा था बस जी, पर कोई टेक्निकल 100 ग्राम वजन का कोई इशू आ गया। एक दिन में तीन तीन मुकाबले जीतने और तीनों में दिग्गजों को हराना, यहाँ आके ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की, जो साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये? तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियाँ करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर, क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए? एक दिन में वो लड़की तीन मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल, ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं, पापा मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी, अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम भी बेटी हो, तुम चैंपियनों के चैंपियन हो यार, काम सर क्या लगता है? साथ खड़े हैं, साथ तो मैं भी खड़ा हूँ, साथ खड़ा हूँ।